दैट विल बी सेटिस्फाइंग सम प्रॉपर्टी सम फंक्शन, जो भी इक्वेशन आपकी गिवन होगी वो उसको सेटिस्फाई करेगा. लेट हमने लिया आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर में आप इसको लिखते हो एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 3x. अब इसका मतलब क्या होगा कि सेट a क्रॉस b में से आप वो वाले एलिमेंट्स उठाओगे जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जिसमें y जो है वो x का 3 टाइम्स होगा. ठीक है, मान लो मुझे a सेट गिवन है 1 2 3, सेट b मुझे गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब a क्रॉस b जब आप लोगे 3 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, 9 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, तो टोटल 27 एलिमेंट्स बनेंगे a क्रॉस b के कार्टेशियन प्रोडक्ट के. उसमें से रिलेशन में आपने कौन से एलिमेंट्स लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि y शुड बी 3 टाइम्स x. कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, x1 होगा तो y is 3 times 1 यानी कि 3, then x2 होगा आपका तो 2 3 are 6, x3 होगा तो 3 3 are 9. और कोई इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रिलेशन में आपके जो एलिमेंट्स आएंगे when जब कंडीशन हमें गिवन है y is equal to 3x, तो y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू का 3 टाइम्स. x की वैल्यू हमें क्योंकि a क्रॉस b के अकॉर्डिंगली हम ले रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, x की वैल्यू 1 2 और 3 हो सकती है बिकॉज़ दिस इज फ्रॉम a टू b. अब x की वैल्यू 1 2 3 आपने ले ली यहां पे 1 2 एंड 3, x के लिए वो क्या कह रहा है कि x का अगर हम 3 टाइम्स कर देते हैं हमें y की वैल्यू मिलेगी. तो x जब आपका 1 था इसका 3 टाइम्स किया 3 आ गया, 2 का 3 टाइम्स किया 6 आ गया, 3 का 3 टाइम्स किया 9 आ गया. यानी कि इस वाले रिलेशन को जो आपके ऑर्डर्ड पेयर से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, या हम अगर अदर वर्ड्स में कहें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 3 2 6 एंड 3 9. इसी को हम जो है विजुअली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम रिलेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x. रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी. पहले वाला जो एलिमेंट है उसका जो सेट है वो पहले आएगा, सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट है वो बाद में आएगा, ये ध्यान रखना है. अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो ए पहले लो बी बाद में. अब ए में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 3. बी में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. रिलेशन वाई इज इक्वल टू 3x, एक्स 1 है तो 1 का थ्राइस ये हो गया आपका, देन 2 टाइम्स 3, देन 3 टाइम्स 3. तो ये जो है इसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं. This is the visual representation of the relation. Visually आप इसको represent कर रहे हो relation. Other name is arrow diagram. Clear है ये? समझ आ गया? आगे बताऊं? हाँ जी. हाँ. फिर b into a फिर आपका ऐसे बनना. ये 9 elements इधर आ जाने थे और ये 3 elements आपके इधर आने थे. यहाँ पे ना, हाँ, बी क्रॉस ए में बी वाले सेट्स जो है वो एक्स की वैल्यू बन जाएंगे आपके, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका कोई रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होना था तो नल सेट एक होना था, 1, 3 वाला बस एक ही बनना था आपका. अकॉर्डिंगली वो चेंज हो गया, मतलब एक्स में हमेशा आपने जो आपका फर्स्ट सेट गिवन होगा वो लेके चलना, वाई के लिए जो सेकेंड सेट होगा उसके एलिमेंट्स लेके चलना. ये क्लियर है? ठीक है, जो भी यहाँ रिलेशन गिवन होगा अकॉर्डिंगली सेट्स में से वो वाली वैल्यूज उठाओ. रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन हमेशा ये आपको गिवन होगा, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए और आर इज अ रिलेशन इन ए, तो वहां पे वो ए टू ए इन ए लिखा गया. ठीक है,
तो जो सेट आपका पहले आ रहा है दैट विल गिव यू द फर्स्ट एलिमेंट एक्स ऑर्डर पेयर का, और जो सेट बाद में आ रहा है दैट विल गिव यू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर हम हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, रिलेशन को अगर आपने विजुअली रिप्रेजेंट करना है तो ये एरो डायग्राम भी आप इसको बोलते हैं. देन वी हैव इसी रिलेशन के बेसिस पे अब हम नेक्स्ट लेके चलेंगे डोमेन रेंज और कोडोमेन. डोमेन जो है दैट इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन. यहाँ पे अब 1 2 3 तीनों का है आगे इमेज अगर हम देखें तो. सो डोमेन पे आ जाएगा इस वाले सेट का हमारा 1 2 and 3. रेंज क्या आएगा, रेंज में जो एलिमेंट्स लिंक्ड हैं रिलेशन के, यानी कि जो रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट है दैट विल बी द रेंज. तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 6 and 9. ठीक है, डोमेन में फर्स्ट वाले एलिमेंट से सेट बनेगा रिलेशन के, रेंज में सेकेंड वाले एलिमेंट से सेट बनेगा. उसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन में आपका जो सेकेंड वाला सेट है वो एज इट इज, ये पूरा का पूरा सेट आपका क्या है, दिस इज द कोडोमेन. ठीक है, कोडोमेन का मतलब कि जिन जिस सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके एज अ रेंज एक्ट करेंगे, यानी कि जिस सेट में से आपको रेंज मिलेगी दैट सेट इज कॉल्ड द कोडोमेन. और कोडोमेन जो है दैट रेंज जो है दैट इज इधर अ सबसेट ऑफ कोडोमेन या फिर दिस इज इक्वल टू कोडोमेन. रेंज का जो है या वो कोडोमेन का हमेशा सबसेट होगी, यानी कि रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से या तो कम होंगे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेंज जो है दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन. जब इस वाले सेट का हर एलिमेंट अगर आप कहो कि इस वाले सेट के साथ एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, लिंक्ड है, देन वी से कि कोडोमेन जो है वो हमारा रेंज के इक्वल है. अगर आप अभी इसको फिलहाल देखो तो अभी इसमें से ये एलिमेंट्स जो है वो मिसिंग है. मान लो सेट बी में मुझे एलिमेंट्स ही सिर्फ ये दिए होते 3 6 9. अब 3 एलिमेंट्स हैं इधर, 3 के 3 रिलेटेड है ए के साथ, तो रेंज जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, कोडोमेन. ठीक है, अदरवाइज मोस्टली क्या होता है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ जाती है तब चलो वो फंक्शंस में है वो आगे बाद में बताऊंगी. फिलहाल जो आपको पता होना चाहिए, एक तो एरो डायग्राम बनाना आना चाहिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन. सेकेंड आपको डोमेन पता होना चाहिए, जो भी रिलेशन है उसके फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट से हमें डोमेन मिलता है, सेकेंड एलिमेंट्स के सेट से हमें रेंज मिलती है. रेंज या तो कोडोमेन का एक सबसेट होता है या उसकी इक्वल होती है. कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में हमेशा आपका जो रिलेशन है जिस सेट से दूसरे वाले सेट पे है, यानी कि जो आपका सेकेंड वाला सेट बनता है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड कोडोमेन. अगर एक रिलेशन गिवन है मुझे फ्रॉम सेट बी टू सी, तो सेट सी जो है दैट विल एक्ट एज कोडोमेन. अगर ए टू बी है तो बी सेट इज कोडोमेन, जो भी बाद में आएगा दैट इज द कोडोमेन. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आपकी यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं वो यहाँ गिवन है. फर्स्ट वाले में जो सेकंड डेफिनेशन आपको गिवन है दैट इज ऑन पेज नंबर 34. अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. कि रिलेशन को हम समटाइम्स कैसे डिफाइन करते हैं कि दैट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी में से क्योंकि हम एलिमेंट्स उठाते हैं. देन अदर डेफिनेशन इसकी क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन. डोमेन क्लियर है. देन सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन एंड होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन. एक उसके बाद अच्छा एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जो ये हमारे एलिमेंट्स आते हैं रेंज में, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द इमेज, इमेजेस हम इनको कहते हैं. और जो डोमेन के हैं दैट इज कॉल्ड द प्री इमेज.
रेंज के जो एलिमेंट्स होंगे दैट आर कॉल्ड द इमेज, यानी कि हम यहाँ पे ये कहेंगे कि थ्री जो है दैट इज एन इमेज, सिक्स इज एन इमेज, नाइन इज एन इमेज, और इनकी अगर हम प्री इमेजेस की बात करें तो वन इज द प्री इमेज ऑफ थ्री, टू इज द प्री इमेज ऑफ सिक्स, थ्री इज द प्री इमेज ऑफ नाइन. सेट ए के एलिमेंट्स आपकी कहलाएंगे प्री इमेज, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं दैट विल एक्ट एज द इमेज. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम कर ही चुके हैं कि जितने सेट ए में एलिमेंट्स हैं, जितने सेट बी में एलिमेंट्स हैं, उनका प्रोडक्ट ले लो और टू रेज टू पावर दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ रिलेशन. क्लियर? जैसे इसमें आपके यहाँ पे थ्री एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे नाइन एलिमेंट्स हैं, थ्री नाइन्स आर 27, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, टू रेज टू पावर 27. टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी टू रेज टू पावर 27, या सबसेट भी अगर हम कहें तो दैट विल अगेन बी 2 raised to power 27. उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाइए. अच्छा, एक चीज और है इसमें भी कि जैसे आपका सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हमने किया था, सेम यहाँ पे भी वही चीज है. रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म मीन्स एलिमेंट्स आपके इस फॉर्म में गिवन होंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे मैंने यहाँ लिखा था y इज इक्वल टू 3x, किसी मतलब एक स्पेसिफिक आपको फॉर्मेट दे दिया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मेट आपको जो सेट्स हैं वो रिलेशन है वो उसके ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने होंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज. इसमें अगर कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो यू कैन आस्क. क्लियर? अब एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो. लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 14. ए के हमें एलिमेंट्स गिवन है 1, 2, 3 अप टू 14. डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. अब डिफाइन अ रिलेशन आर का मतलब ये नहीं है कि आप डेफिनेशन लिखने बैठ जाओगे. डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए का मतलब है कि आपको वो रिलेशन डेवलप करना है वहां पे जिस फॉर्म में उन्होंने पूछा है. इन दैट फॉर्म यू आर टू राइट. हमें रिलेशन लेना है फ्रॉम ए टू ए, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स आएंगे वो ए क्रॉस ए में से आप लेके चलोगे. अब कंडीशन क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज. सबसे पहले रिलेशन लिखना है हमने. अब देखो 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स हैं और कंडीशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि ये वही बन गया आपको y इज इक्वल टू 3x. अब इसमें वैल्यूज पुट करो और रिलेशन फाइंड आउट करो. x को 1 से लेके 14 तक ले सकते हैं, y की वैल्यू अकॉर्डिंगली हमें चेक करनी है. बट आपको अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना होगा कि ए क्रॉस ए में जो आपका लास्ट एलिमेंट बनेगा दैट विल बी 14, 14. वाई की वैल्यू 14 से ज्यादा नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू 14 से ज्यादा नहीं. तो सिर्फ वो एलिमेंट्स जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एक्स और वाई लेस देन और इक्वल टू 14, 1 से 14 तक, वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो एक्स को जब हम 1 लेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, 3. 2 पे 3 पे 9, 4 पे 12. अब अगर मैं x को 5 लेती हूँ तो y 15 आएगा, बट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a, तो इट मीन्स 5, 15 वाला जो है या ऑनवर्ड केसेस हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो वी कैन नॉट स्टेट दैट. तो जो रिलेशन में हमारे एलिमेंट्स आएंगे दैट विल बी 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12. क्लियर? अब इसमें उसने क्या पूछा है, राइट डाउन इट्स डोमेन. डोमेन क्या आएगा, डोमेन इज द जो भी है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन. कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 एंड 4. देन रेंज को डोमेन. को डोमेन क्या आएगा, यस 1, 2, 3, 4 अप टू 14. को डोमेन में जो आपका रिलेशन जहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया होता है या रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है ये, तो सेकेंड वाला जो आपका सेट है दैट इज द कोडोमेन. तो कोडोमेन यहाँ पे सेट ए यानी कि 1, 2, 3 अप टू 14.
देन रेंज, सेकेंड वाले एलिमेंट्स का सेट 3, 6, 9 and 12. सो दिस इज द रेंज. डोमेन में रिलेशन के फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का सेट, रेंज में रिलेशन के सेकेंड वाले एलिमेंट्स का सेट, कोर डोमेन में जहां से रिलेशन है, रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू ए, तो जो सेकेंड वाला सेट वहां पे मेंशन है दैट इज द को डोमेन. अब यहाँ पे वैसे तो दोनों ही आपके सेम थे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब सेट एन पे हमने नेचुरल नंबर्स के सेट पे जो है रिलेशन डिफाइन करना है, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट इज एन क्रॉस एन, क्योंकि ऑन सेट एन आ गया. तो दोनों x और y के लिए आप n लेके चलोगे. आगे वो मेंशन्ड भी है, r is equal to x comma y such that y is equal to x plus y and x is a natural number less than 4. y is equal to x plus 5 given है, और x की वैल्यूज उसने क्या कहा, x is a natural number less than 4. तो x की वैल्यूज क्या क्या आप लेके चलोगे, नेचुरल नंबर लेस देन 4 कौन कौन से हैं, 1, 2 and 3, और उसके अकॉर्डिंगली आप y निकाल लोगे, y is equal to x plus 5. तो अब जो सेट हमें गिवन है दैट इज 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, r हमें गिवन है x comma y such that y is equal to x plus 5 and x is a natural number less than 4. तो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ वाला एलिमेंट क्या आएगा, 5 ऐड कर दोगे x की वैल्यू से, फर्स्ट विल बी 1, 6, सेकंड 2, 7, 3, 8. y is equal to, क्योंकि x plus 5 है, x की वैल्यू उसने कहा x is a natural number less than 4, तो x आ गया हमारा 1, 2, 3. अब इसमें y equal to x plus 5 है, तो 5 ऐड कर दिया, 1 में 5 ऐड किया 6, 2 में 5 ऐड किया 7, 3 में 5 ऐड किया, दिस इज 8. अब डोमेन फर्स्ट वाले एलिमेंट से बन रहा है, तो डोमेन क्या आएगा, 1, 2, 3. को डोमेन पूछे, अच्छा उसने यहाँ पे क्या कहा, डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया. राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, अब इसमें उसने को डोमेन नहीं पूछा, तो वी आर टू लीव. रेंज क्या आएगी, 6, 7 and 8. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये नोट डाउन कर दो इरेज. क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर गिवन सेट ए एंड सेट बी. सेट ए गिवन है 1, 2, 3 and 5, और सेट बी गिवन है 4, 6 and 9. उसके बाद वो कह रहे हैं कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड. राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, तो ये फॉर्म हमें लिखनी है. डोमेन रेंज उन्होंने नहीं पूछी है. चलिए क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड. एक्स पहले मैंने 1 लिया, 1 का 4 के साथ डिफरेंस ऑड है, 1 का 6 के साथ डिफरेंस ऑड है, 1 का 9 के साथ डिफरेंस इवन है. तो 1, 9 नहीं लोगे आप, क्या क्या ले लोगे, 1 के साथ 4 ले लोगे, इनका डिफरेंस इज ऑड, देन 1 के साथ 6 ले लोगे, अगेन दिस डिफरेंस इज ऑड. अब नेक्स्ट x की वैल्यू क्या लोगे, 2, 2 के साथ 4 इज इवन, 2 के साथ 6 का डिफरेंस इवन, तो 2 के साथ 9, वेरी गुड. नेक्स्ट 3, 3 के साथ 4 डिफरेंस इज ऑड, 3 के साथ 6 difference is odd, 3 के साथ 9 difference is 6, that is even, वो नहीं लोगे. हाँ जी,
क्या चीज? वन ऑड है, ऑड है। वैसे उसको आप उसमें नहीं लेके चलते कि कंपोजिट या प्राइम में नहीं लेके चलते, बट इवन ऑड में दैट इज ऑड। 5.4। हाँ जी, नेक्स्ट इज 5.4। 5.6। यस, अब अगेन 5.9 आपका इवन है, तो दिस इज योर रिलेशन। 1, 4, 1, 6, 2, 9, 3, 4, 3, 6, 5, 4, 5, 6। अच्छा, एक चीज आपका जो डाउट है दैट इज कि हम इन नंबर्स को ऑड या इवन नहीं ले रहे, हम सिर्फ जो इनका डिफरेंस है उसको ऑड चेक कर रहे। वैसे तो वन ऑड ही है, आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है। यू आर टू सिंपली चेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, दैट शुड बी ऑड। ठीक है, क्लियर है? ये रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। The figure shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation in set builder form. अब set P given है, Q given है, हमें इसको set builder form यानी कि इस form में लिखना है। This one कैसे आएगा? Check करो elements के बीच में कितना difference आ रहा है या क्या product आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 का difference आ रहा है। P के elements और Q के elements में There is a difference of 2. तो P के जो एलिमेंट्स हैं वो X हैं, Q के जो एलिमेंट्स हैं वो Y हैं। R is equal to X comma Y such that X minus 2 is equal to Y. X minus y is equal to 2 also you can write down. Anji? नहीं, set हम P Q given है तो हम और कोई ले ही नहीं सकते, ना भी करो उसको तो that's okay. वो तो previous वाले में उसने क्योंकि set of natural numbers कहा था तो सभी natural numbers नहीं थे, x के लिए only less than 4 लेने थे, तो इस वजह से वहां mention किया। यहाँ पे आपका जो रिलेशन बनेगा दैट इज फ्रॉम पी टू क्यू है, तो पी में आपके एलिमेंट्स 5, 6, 7 ही हैं, क्यू में 3, 4, 5 ही हैं, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो रिलेटेड नहीं है, तो नहीं भी करोगे इसको डिफाइन तो दैट इज ओके। अच्छा, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, रोस्टर फॉर्म। आर इज इक्वल टू टेबुलर फॉर्म में यानी कि लिखने, तो 5 के साथ 3, 5.3। नेक्स्ट क्या बनेगा? 6, 4। नेक्स्ट 7, 5। ठीक है, और इसके बाद उसने क्या कहा, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज भी लिखनी है। यस, डोमेन इज 5, 6, 7। एंड रेंज 3, 4, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6। आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। अब देखो यहाँ पे गिवन है आर इज अ रिलेशन ऑन ए यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ठीक है, और ए और बी दोनों सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, बी इज exactly divisible by A, yani ki second element should be exactly divisible by the first element. Set A hume given hai 1, 2, 3, 4, and 6 relation ke elements 1 hai, theek hai, 1 har ek ko divide kar rahe, to kya aa jayega 1, 1, 1, 2, 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 1, 3 is divisible by 1, 4 is divisible by 1, 5 is divisible by 1, and 6 is divisible by 1.
अब टू को लेके चलो, टू टू इज टू डिवाइड्स फोर, टू डिवाइड्स सिक्स, थ्री के साथ. अच्छा टू डिवाइड्स टू भी है तो वो भी लिखोगे. चलिए अब थ्री डिवाइड्स थ्री एंड थ्री डिवाइड्स सिक्स, फोर डिवाइड्स फोर और कोई डिवाइड नहीं कर रहा ये, देन सिक्स डिवाइड्स सिक्स. तो ये आपके रिक्वायर्ड एलिमेंट्स आ जाएंगे. बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए. अब आप यहाँ पे चेक करोगे जो सेकेंड वाला एलिमेंट है हर एक का, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द फर्स्ट एलिमेंट. नाउ ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, फाइंड द डोमेन 1 2 3 4 6 एंड द रेंज. मैंने यहाँ पे 1 5 लिख दिया है, 5 एलिमेंट नहीं है तो दिस वॉन्ट बी देयर. सो डोमेन इज अगेन 1 2 3 4 6, रेंज इज 1 2 3 4 6. ओके ये यही था आपका, इतना ही था. पूछना है कुछ, क्या कह रहे हैं ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 6. गुड मॉर्निंग जी, बड़ी जल्दी आ गए आप, वेरी गुड. अभी मैंने रात को भी मैसेज डाला था. क्वेश्चन नंबर 6, अब लास्ट 3 डेज यही टाइम है आपका 7:50, ठीक है. 6th क्वेश्चन में है, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5. Let us quickly finish this exercise. R is equal to x comma x plus 5. अब यहाँ इसका मतलब क्या है? X comma y की जगह आपको x plus 5 दिया हुआ है. यानी कि y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? X plus 5. ठीक है? चलो अब बताओ सेट गिवन है. और सिंगल सेट है ये ध्यान देना, तो y की वैल्यू भी उस सेट को बिलोंग करनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जा सकते. X गिवन है 0 1 2 3 4 5. हाँ जी, x belongs to 0 1 2 3 4 5. Determine the domain and range of the relation R. हाँ, इसमें क्योंकि सेट B सेकंड हमें नहीं गिवन, x belongs to सेट गिवन है, तो y की वैल्यू अकॉर्डिंगली आप निकाल लेंगे. क्या क्या आएंगी y की वैल्यू? 0 के साथ 5 और टू के साथ 7, 3, 8, 4, 9, 5 तक ही. तो x की वैल्यू आपकी 5 तक है, तो अकॉर्डिंगली आपकी y की वैल्यू यहां तक आ जाएगी. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. अब इसका डोमेन और रेंज यू कैन राइट डाउन. डोमेन क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5. रेंज क्या आ जाएगी? 5 6 7 8 9 10. क्वेश्चन नंबर 7, write the relation R, x is equal to x comma x cube, x is a prime number less than 10. जल्दी से बताओ ये. x is a prime number less than 10. Prime number less than 10 कौन कौन से आएंगे? 2 3 5 7. अकॉर्डिंगली y की वैल्यूज आपकी क्या आ जाएंगी? 2 के साथ क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 5 क्यूब इज 125 एंड 7 क्यूब इज 343. सो सिंपली उन्होंने इसमें रिलेशन लिखने को कहा था इन द रोस्टर फॉर्म, तो वी हैव रिटन दैट. सेट ए, 8th क्वेश्चन, ए एक्स वाई जेड गिवन है, बी 1 2 गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3. बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे? 2
टू रेस टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि टू रेस टू पावर सिक्स. 64 विल बी योर आंसर. लास्ट क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी. दोनों इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं एंड अगेन ए माइनस बी इज एन इंटीजर. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर. अब देखो ये वाला ध्यान से देखो, हमें उसने क्या कहा, आर जो है दैट इज अ रिलेशन ऑन जेड माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सारे इंटीजर्स हमने लेके चलने हैं. एंड दिस इज डिफाइंड बाय ए माइनस बी. हमने सिंपली ये लेना है कि ए कॉमा बी आपका जो है रिलेशन है और ए माइनस बी जो है दैट इज एन इंटीजर. अब यू नो दैट व्हेनेवर यू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स द रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर. अब यहाँ उसने हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने को नहीं कहा क्योंकि उसमें सभी आपके एलिमेंट्स जो हैं इंक्लूड हो जाएंगे, सभी इंटीजर्स जो हैं वो पेयर, उनका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा. तो दैट अगेन बिकम्स एन इनफाइनाइट रिलेशन. तो इसलिए उसने हमें जो है रोस्टर फॉर्म में लिखने को नहीं कहा. सिंपली उसने क्या पूछा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज. तो डोमेन क्या आएगा, रिलेशन इज फ्रॉम अ सेट ऑफ इंटीजर्स टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स. तो डोमेन में क्या आएगा, सभी इंटीजर्स आ जाएंगे आपके, यानी कि डोमेन इज जेड ऑल द इंटीजर. सेम वे में रेंज दैट इज डिफरेंस इज अगेन एन इंटीजर. तो दैट इज ऑल द सेट ऑफ इंटीजर. तो डोमेन एंड रेंज दोनों आपके क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स. क्लियर. तो दिस वॉज योर एक्सरसाइज. फंक्शन वाला टॉपिक वी विल स्टार्ट ऑन मंडे. So that's all for today. Amit and Amish, but if any doubt is there, you can ask. Otherwise, I am ending the meeting. Agar koi doubt hai, to you can ask.